नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की। सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है लेकिन महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है क्योंकि यह लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है। लोजपा की नज़र इस सीट पर है, लोजपा को यह सीट लड़ना ही है। लेकिन इस सीट पर चुनाव जीते हुए हैं अभी कांग्रेस के सुधीर कुमार एलियस बंटी चौधरी। 2020 का गणित समझाएं इसके पहले 2015 के चुनावी नतीजे पर गौर करते हैं। तो 2015 में सिकंदरा में 2,78,418 कुल मतदाता थे, इनकी संख्या अब 2020 में बढ़ गई होगी। इनमें से 1,38,531 लोगों ने वोट किया था जो कुल प्रतिशत 49.76 होता है। सुधीर कुमार एलियस बंटी चौधरी महागठबंधन के उम्मीदवार थे, कांग्रेस राजद जदयू के, ये कांग्रेस के थे। इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की, इन्हें मत आया 59,092 और इन्होंने चुनाव हराया लोजपा के सुभाष चंद्र बोस को। याद रखिए 2015 में भी एनडीए की ओर से लोजपा ही सिकंदरा में चुनाव लड़ रही थी, इनके उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र बोस और इन्हें मत आया था 51,102। तो करीब 8,000 मतों के अंतर से जीत हार हुई थी यहाँ चुनाव में। अब 2020 में क्या होगा? तो देखिए 2020 में सिकंदरा का मामला कई तरीके से फंसा है। बंटी चौधरी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती रही कि वे जदयू में जा रहे हैं, लेकिन हमारी जब भी बातचीत पिछले कुछ दिनों में हुई है उन्होंने कहा कि नहीं, वे कांग्रेस में ही रहेंगे और महागठबंधन के ही उम्मीदवार होंगे। तो यदि अपनी बात पर बंटी चौधरी रहते हैं तो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, इसलिए महागठबंधन में फिर सीटों को लेकर जो सिकंदरा का कंफ्यूजन है वह खत्म होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनडीए में क्या होगा? तो देखिए एनडीए इंटैक्ट रहा, मतलब भाजपा लोजपा जदयू, तो यह हम मान ले सकते हैं कि सिकंदरा की सीट लोजपा के ही खाते में जाएगी। लेकिन वहाँ उम्मीदवार कौन होगा? देखिए जब चुनाव संसदीय चुनाव चल रहा था, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो सूरजभान सिंह ने जो चिराग पासवान के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले हुए थे और स्वयं चिराग पासवान ने भी आईपी गुप्ता को पार्टी में शामिल कराया था। आईपी गुप्ता जमुई का लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे लेकिन बात हुई थी कि विधानसभा चुनाव में समझ लेंगे, और आईपी गुप्ता भी सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र का ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष हैं और तांती जाति से आते हैं। तांती जाति को रिजर्व श्रेणी में रखा गया, मतलब वो रिजर्व क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकते हैं। आईपी गुप्ता लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जो चिराग पासवान ने क्राइटेरिया तय किया लोजपा से सीट हासिल करने के लिए या उम्मीदवारी हासिल करने के लिए, उसमें दो आदमी यहां से सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 2015 में चुनाव लड़ा था, वे फिर से 25,000 सदस्य बनवाए हैं लोजपा का सिकंदरा में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाता है कि कार्यकर्ता के धनी हैं, जमीन पर काम करते हैं, उनके साथ कार्यकर्ता हैं, ये उनकी पहचान बताते हैं लोग। सुभाष चंद्र बोस के पास पैसा नहीं है लेकिन बाकी सब कुछ है, यह सिकंदरा से रिपोर्ट में कही जाती है बात। लेकिन लोजपा के यहाँ एक दूसरे उम्मीदवार भी दावेदार भी हैं, रविशंकर पासवान, जिन्हें 2015 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और इन्हें मत आया था मात्र 3,350। लेकिन रविशंकर पासवान के बारे में कहा जाता है कि इनके पास माल है, धन है, पूंजी है और ये मानते हैं कि धन की बूते सब कुछ जीता जा सकता है। तो लोजपा में देखा जाना है कि सुभाष चंद्र बोस जिनके पास जन है और रविशंकर पासवान जिनके पास धन है और आईपी गुप्ता जिन्हें वचन दिया गया था, इनमें से किसका चयन होता है और आगे चुनाव का सिलसिला कैसा चलता है यह देखने वाली बात होगी। तो सिकंदरा को लेकर बाकी कई सारे निर्दलीय भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, कुछ दूसरी पार्टियों से भी लड़ेंगे। बंटी चौधरी यदि डगमग होते हैं तो फिर महागठबंधन में भी सूरत दूसरी बनेगी। तो आगे जो भी सूरत बनेगी वह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।